माइक लगाइए। कंफर्टेबल है? जी जी बिल्कुल। गिरीश जी, जैसे सीवी में हम देख रहे हैं आपने बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है, आप अपने नाम का अर्थ बताते हैं पूरा इंट्रोडक्शन में? जी बिल्कुल। मेरा नाम गिरीश कश्यप है। गिरीश का अर्थ होता है पहाड़ों का राजा, हिमालय जिसे कहा जाता है। मेरा जन्म और मेरी शिक्षा रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हुई है। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर से स्कूली शिक्षा ली। उसके बाद बीकॉम मैंने दुर्गा महाविद्यालय से किया है। एमकॉम मैंने डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी से किया है। बीकॉम और एमकॉम करते हुए मैंने सीए की पढ़ाई की। सीए इंटर क्वालिफाइड हूँ और मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप की है। और आर्टिकलशिप करने के बाद 2 साल मैंने असिस्टेंट ऑडिटर के पद पर काम किया है के मानकेश्वर एंड कंपनी में। और अगस्त 2018 से अभी तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेट्स यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। अभिरुचियों में मुझे चित्रकला अच्छी लगती है और लेखन का भी मुझे शौक है। तो इसी कड़ी में मैंने 2 किताबों में को ऑथर के रूप में कार्य किया है, इश्किया और द टेबल टॉक्स इस नाम से प्रकाशित है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि जब आप सी आर्टिकल असिस्टेंट के पोस्ट पर थे तो आपको 2500 मिलती थी, फिर उस नौकरी के 2 साल बाद आपने आर्टिकल असिस्टेंट का काम किया जिसमें 15000 मिला और उसके बाद आप साइड पर था, ठीक है? तो आप एक नौकरी में पूरी तरह से सहमत ना होते हुए आप स्विच क्यों करते हैं? मैम, सीए करने के लिए सीए आर्टिकलशिप करनी ज़रूरी होती है और वो उस ट्रेनिंग की का जो पेमेंट होता है वो मिनिमम वेजेस होते हैं, तो 2500 उस चीज़ के थे। तो ये कंपलसरी था इसलिए मुझे वो करना ही था प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए। उसके बाद जॉब करनी थी तो मैंने जॉब किया और फिर सीए फाइनल क्योंकि मैं सफल नहीं हो पाया तो 2 सालों तक मैंने प्रयास किया। माफ कीजिएगा, याद नहीं है। चित्रकला का आपको हॉबी में आपने लिखा है चित्रकला, तो इसका शुरुआत हम कहाँ से मानेंगे? मैम, आदि मानव के समय से मान सकते हैं क्योंकि उन समय के जो चित्रकारी हैं वो आज भी पाषाणों में मिलते हैं। वो किस रंग का इस्तेमाल करते थे? किस तरह के रंग का वो मुझे जानकारी नहीं है, मगर लाल या गेहुआ रंग इस तरह के। फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग, इसके बारे में कोई आईडिया? माफ कीजिएगा मैम, मुझे जानकारी नहीं। मैं ग्रेफाइट पेंसिल और ऑयल पेंटिंग का यूज करता हूँ। तो स्केचिंग में और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है? मधुबनी आर्ट पता है आपको? आप ये जो किताबें लिखी हैं सर, किस फॉर्मेट में है ये? मैंने जो थीम थी इश्किया, जो थीम थी वो प्रेम के ऊपर था और जो द टेबल टॉक्स है वो ओपन था, ओपन थीम थी। उसमें आप किसी भी विषय पर उसमें लेख या कविताएं लिख सकते थे। अच्छा, जैसे अभी आप प्राध्यापक हैं जी, तो स्कूल में यूनिफॉर्म कंपलसरी है, कॉलेज में क्यों नहीं है? आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से स्कूल में यूनिफॉर्म होती है वैसे कॉलेजेस में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैम, स्कूल तक यूनिफॉर्म होते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनको यूनिफॉर्म रखने का उद्देश्य क्या है स्कूलों का? अनुशासन। अनुशासन, और हर स्कूल का एक ही यूनिफॉर्म क्यों नहीं होता? हर स्कूल के अपने अपने यूनिफॉर्म के कलर, हर चीज अलग क्यों होती है? मैम, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर मुझे ये लगता है कि ये स्कूल प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के यूनिफॉर्म रखे। कश्यप जो है जी, इसको कच्छप भी कहा जाता है क्या? नो मैम, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, माफ कीजिएगा। रविशंकर शुक्ल जी के बारे में आप क्या जानते हैं? रविशंकर शुक्ल जी, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 30 मार्च 1992 को क्या? 30 मार्च 1992 को
कोई मुख्य कोई इस तरह से घटना नहीं हुई थी मैम, मेरी जानकारी में नहीं है, माफ कीजिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं था? कोई मुख्य घटना नहीं हुई थी। आपका जन्म? हाँ मतलब जन्म तारीख मेरी ही है, मगर मेरे जन्म के अलावा और उस दिन कि 30 मार्च 1992 को क्या हुआ था? आपका जन्म हुआ था। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो आपकी अभी रुचियां हैं चित्रकला और लेखन, इसका आप वहाँ इस अपने कॉलेज में किस तरह से यूज करेंगे? मैम जैसे नोट्स वगैरह बनाने होते हैं है ना, तो ब्लैक बोर्ड में बहुत सुंदर तरीके से नोट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, और वो मैं यूज़ भी करता हूँ, और वो बच्चों के बहुत काम आता है नोट्स वगैरह बनाने में। सर, ये छत्तीसगढ़ में जो भी शिक्षा का परिदृश्य है उसको आप कैसे आंकते हैं? मैम अभी हम बहुत पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमें और भी आगे बढ़ना है, प्रयास बहुत सारे हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं, मगर फिर भी जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं हो पा रही। साक्षरता दर कितना है छत्तीसगढ़ का और रैंकिंग कितनी है छत्तीसगढ़ की शिक्षा के लिए? माफ कीजिएगा मैम, मुझे जानकारी नहीं है। अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ शासन ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है क्या, ऐसी कोई योजना बनाई है क्या कि बच्चे घर में बैठ के पढ़ सके? जी मैम योजनाएं हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, मगर बच्चे लॉकडाउन के समय में एक तो लाउड स्पीकर वाली जो सिस्टम शुरू हुआ था, जिसमें लाउड स्पीकर में टीचर पढ़ा रहे थे और बच्चे घर बैठे पढ़ रहे थे, वो एक है, और सरकार ने एप्लीकेशन भी एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी शिक्षकों को प्रोवाइड किया था कि वो पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, जो भी कन्वेंशनल तरीके थे उससे आगे बढ़कर कई और टेक्नोलॉजिकली हम शिक्षा प्रदान करने की तरफ अग्रसर है। आप पहले तो मुझे बताएं कि ऐसी कौन कौन से तकनीकी विकास से आप अवगत हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, और उसकी अच्छाइयां और बुराइयां, पुराने तरीके से जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसकी अच्छाइयां, मतलब अभी नए विकास की अच्छाइयां बुराइयां दोनों बताएं। मैम जो बहुत ज़्यादा तकनीक यूज़ की जा रही है वो मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप में जो एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट्स, तो इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ किए जा रहे हैं, और इनकी अच्छाइयाँ ये है कि कई सारे स्कूल या कॉलेजेस में जो छोटे स्कूल या कॉलेजेस हैं वहाँ पर प्रोजेक्टर या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप नहीं दे सकते थे, तो इन सब की मदद से वीडियो शेयर करना, नोट्स वगैरह शेयर करना, ये सब आसान हो गया है। और दिक्कत ये है कि सभी को फेस टू फेस पढ़ने और पढ़ाने की आदत थी, मगर ऑनलाइन की पढ़ाई से बच्चे थोड़े से बोर हो जा रहे हैं। क्या तकनीकी विकास का मतलब सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा? नहीं मैम बिल्कुल नहीं। स्कूलों में एजुसेट काफी सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, एजुकेटर एजुसेट के जरिए, उसके बारे में क्या जानना? माफ कीजिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। आपने वर्ग लिखा है कलार जी, तो बहादुर कलारिन की माची के बारे में कुछ जानते हैं? जी जी सर, बहादुर कलारिन कलावती नाम था बहादुर कलारिन जी का, वो मदिरा निर्माण का कार्य करती थी, है वंशी एक राजा थे जिन्होंने उनके साथ गंधर्व विवाह किया था, और फिर वो वापस चले गए थे वापस आने का वादा करके, मगर वो वापस नहीं आए, और बहादुर कलारिन का एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र वो पुत्र जब बड़ा हुआ उसने अपने पिता के बारे में पूछा, तब उसकी माता ने अपने उसके पिता के बारे में बताया, और उसे अपने पिता से घृणा हो गई, और फिर उसने जितने भी आसपास के राजा थे उनकी पुत्रियों को अगवा करके घर ले आए थे और घर के काम वगैरह करवाते थे, तो कलावती जी ने अपने पुत्र को कहा कि सिर्फ एक से विवाह कर लीजिए और बाकी को वापस जाने दीजिए, तो वे नहीं माने, और कलावती जी ने अपने ही पुत्र को जहर दे करके मार दिया और स्वयं भी कुएं में कूद गई, ऐसी प्रथा है, मतलब ऐसी कहानी है जो हमने सुनी है, और वो जहाँ पर बेचती थी मदिरा और इत्र और अर्क ये सारी चीज़ें, वो अभी भी जो माची है मंच है वो स्थित है बालोद जिले में। सर, ये वाणिज्य विषय क्यों चुना आपने स्पेशली? मैम असल में मुझे केमिस्ट्री उतनी पसंद नहीं थी,
और मैं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा था, मगर फाइनेंशियली मैं उतना सुदृढ़ नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं या तो सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे आपने जी। मैंने शुरुआत वैसे ही की पढ़ाई जी, क्योंकि 10वीं में हमको उतनी जानकारी नहीं होती कि आगे इस कौन कौन से क्षेत्र में हम जा सकते हैं या इस तरह से। इसको जब आप पढ़ा रहे होते जब वर्ष आपने पढ़ाया है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना आप करते हैं? आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के सामने पढ़ाने के लिए क्या मेन चुनौतियां चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं और आपका क्या तरीका है उसको डील करने का, आप कैसे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं? जी मैम, जो हमारा वाणिज्य विषय है और जो हमारा सिलेबस है वो इस तरह का नहीं है कि वो रोजगार प्रोवाइड कर सके। आज एक छात्र अगर बीकॉम करता है और एमकॉम करता है सिर्फ और जॉब की तलाश में जाता है तो उसे क्लरिकल जॉब या छोटे जॉब ही मिलते हैं जिनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती। क्या बात है, जी इसमें बिल्कुल, जॉब के स्कोप्स नहीं है? सिर्फ बीकॉम और एमकॉम करके सामान्य कॉलेजेस या छोटे कॉलेजेस में जो रेपुटेड नहीं है वहाँ से अगर यदि बच्चा बीकॉम या एमकॉम करता है, सिर्फ बीकॉम और एमकॉम के बेसिस पर उसे जॉब अच्छी नहीं मिलती। थोड़ा एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं इसमें मतलब नहीं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैं वही कह रही थी जब आप इसे पढ़ाते विशेषकर तो चुनौतियां क्या आती है, स्टूडेंट्स क्या मेन फेस करते हैं या आप क्या मेन फेस करते हैं और आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका है जो आप कन्वेंशनल टीचर से अलग तरीके से पढ़ा आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको चुना जाता है इस सब्जेक्ट के लिए तो आप दूसरे कैंडिडेट से अलग कैसे हैं? मैम, कॉमर्स में संभावनाएं बहुत हैं। जैसे हम चीज़ों को जब पढ़ा रहे हैं, हम जैसे अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं या मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके नहीं पढ़ाते, तो वो जोड़ करके पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। हम बच्चों को इंडस्ट्री में लेकर के जाना, इंटर्नशिप करवाना, ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं ताकि बच्चा और अच्छे से। आप अपने पर्सनल खर्चे पे ले जाएंगे? नहीं मैम, कॉलेज या शासन मदद करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। अगर ऐसे कोई फंडिंग कॉर्पोरेशन में मिला तो आप क्या विशेष? उसके लिए बच्चों से कंट्रीब्यूशन लेकर के, फैकल्टी से कंट्रीब्यूशन लेकर के ये सारे काम किए जा सकते हैं, और बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब उस क्षेत्र के आसपास कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी, है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, बैंक होंगे, वहाँ पर जाकर के उनकी इंटर्नशिप कराई जा सकती है या वहाँ किस तरह से काम किया जा रहा है एक्चुअल, वो सारी चीज़ें उनको जानकारी दी जा सकती है। धूम कुरिया के बारे में जानते हैं? धूम कुरिया सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। जाते हैं धूम कुरिया? नहीं जानते। ठीक, आप रायपुर जिले से रहने वाले हैं? जी। खास रायपुर से? जी, बचपन से। जी। तो ये जो हमारा रायपुर जिला है इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा का जो निर्माण है दो नदियां करती हैं, तो आप मुझे दोनों नदियों के नाम बताते हैं। माफ कीजिएगा सर, जानकारी नहीं। नहीं पता जी। जब मैडम आपसे प्रश्न पूछ रही थी तो कॉलेज के संदर्भ में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कॉलेज का रेप्यूटेशन। तो ये जो रेप्यूटेशन शब्द है इससे क्या तात्पर्य है आपका? मतलब कोई कॉलेज अच्छा होता है, कोई खराब होता है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं क्या? रेप्यूटेशन का क्या मतलब है कॉलेज का? सर, रेपुटेशन का मतलब है कि वो उस कॉलेज से पढ़ कर के बच्चे किस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये भी होता है। जैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे कैंपस लेकर के आते हैं तो बच्चे उस तरह के, जैसे बिट्स पिलानी हो गए, है ना, शंकरा हो गए, ये रायपुर के नामी कॉलेजेस में आते हैं। बिट्स है रायपुर में? नहीं, बिट्स पिलानी नहीं है, जैसे शंकरा भिलाई। तो मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां से सिलेक्शन होता है तो उनका रेपुटेशन अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज का रेपुटेशन खराब है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, तो आप ये शब्द रेपुटेशन जो है प्रयोग कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है, मतलब किस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं, रेपुटेशन क्या है कॉलेज का? चलिए एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपसे। छत्तीसगढ़ में जनजातियां हैं आप जानते हैं, अब जनजातियों में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है?
माफ कीजिएगा सर, नहीं पता। गिरीश कश्यप नाम है आपका ना? जी। हम मास्क उतार सकते हैं, 2 गज की दूरी में हम। 1992 में आपका जन्म हुआ है। जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वाणिज्य आपका विषय है। जी। वाणिज्य और अर्थशास्त्र में क्या भिन्नता है? दोनों आपस में संबंधित है मगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाणिज्य का अर्थ होता है कि वो स्कूल ऑफ स्टडीज़ जो आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सारी चीज़ें सिखाता है, और अर्थशास्त्र का अर्थ होता है कि वो स्कूल ऑफ स्टडीज़ जो आपको अर्थव्यवस्था की कुछ जो बेसिक सवाल हैं उनको ढूंढने में मदद करता है। जैसे किस तरह का उत्पादन किया जाए, कब उत्पादन किया जाए, किन के लिए उत्पादन किया जाए, ये सारी। तो जैसे आपने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो हमें विभिन्न प्रकार के उत्पादन या किसके लिए उत्पादन किया जाए ये सिखाता है, तो इस आधार पर उत्पादन कैसे किया जाए और किस प्रकार का किया जाए, कई प्रकार की अर्थव्यवस्था के मॉडल है। जी, तो उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में ऐसा है कि 2 तरह से उत्पादन किया जा सकता है। एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है। लेबर में जहाँ पर इंसानों से काम करवाया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव तकनीकें जहाँ पर ज़्यादातर काम मशीनों से करवाया जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था इन दोनों में से किस आधार पर? मिक्स है सर, जुड़ी हुई, मतलब दोनों तरह के। ये जो आप मिश्रित कह रहे हैं मिल्क इकोनॉमी, और जो आपने लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दो बातें की हैं, यह आप एक तरफ जो बात कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था में मॉडल पर बात कर रहे हैं, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य स्वाभाविक सी बात है, आप ये कहना चाह रहे होंगे कि जहां पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ कार्य करती है। जी। और इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन के कारकों में हम भिन्नताएं स्थापित कर रहे हैं। जी। तो दोनों तो ये अलग बात हो गई। तो अगर कारकों के आधार पर, जैसे आपने इंटेंसिव और कैपिटल कहा, तो इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, और मॉडल के आधार पर जैसे आपने मिश्रित कहा, ऐसे ही कुछ अन्य मॉडलों पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले आप एक बता दीजिए, क्या हम लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं सर, हम पूंजी अधिक निवेश करने के लिए सक्षम है उत्पादन के लिए, या मजदूरों को अधिक, हम मानव संसाधन को हम उपयोग कर सकते हैं, मानव संसाधन को। तो इस प्रकार से हम लेबर इंटेंसिव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था बेहतर है? सर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्रों का ही ज़्यादा महत्व होता है, वहाँ पर कंपटीशन फिर कम हो जाते हैं, नई जो तकनीक है वो नहीं आ पाती, रिजिडिटी आ जाती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि मिश्रित है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर सरकार का कंट्रोल है जो कि बिल्कुल होना चाहिए, और कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई है ताकि कॉम्पिटिशन अच्छा हो, प्रोडक्ट्स अच्छे आएँ। तो आपका ये कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है? जी। और किस प्रकार की कमियां थी और उसे हम अभी वर्तमान में किस प्रकार से पूर्ण कर रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के पास ही कंट्रोल आता जाता है, संपत्ति का जमाव होता जाता है। और अभी हम उसे किस प्रकार से इस कमी को पूर्ण कर रहे हैं या फिर कमी को दूर कर रहे हैं? माफ कीजिएगा सर, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कमियां थी जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूर्ण कर रहे? समाजवादी अर्थव्यवस्था में कमियां यह थी कि सारा कंट्रोल सरकार के पास था, निजी क्षेत्र आ नहीं पा रहे थे, और जो कॉम्पिटिशन था अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए था, अब क्योंकि सरकार के पास ये चीज़ें थी तो वो कंपटीशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था, नई चीज़ें नहीं आ पा रही थी, नई टेक्नोलॉजी या नए तरह के उत्पाद या उस जो उत्पाद चल रहे थे उनमें जो क्वालिटी थी वो बढ़ नहीं पा रही थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के आ जाने से ये चीज़, तो
तो आपको ये कहना हुआ कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का दौर हमने देखा स्वतंत्रता के बाद लगभग 80 के दशक तक, उसमें जो कमियां थी वो सरकारी हस्तक्षेप की वजह से थी। जी सर, समानते जी सर, तो सरकारी कमियों की वजह से हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर कमी आई, इसमें आप स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे निर्णय आपको याद है जिन्हें आप कोट करके सरकार के खराब नीतियों का उल्लेख कर सकते हैं? माफ कीजिएगा सर, नहीं बता पाऊंगा जी। अब अगर आप ये कहते हैं कि जो नीतियां थी सरकार की जिससे वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में कमी आई, तो इस प्रकार से तो हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि सरकारी क्षेत्र कम करके हमें निजी क्षेत्रों को अधिक अपने अर्थव्यवस्था में परमिशन दे देना चाहिए। तो आप इस प्रकार से वर्तमान में अर्थव्यवस्था के निजीकरण के पक्ष में? सर ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुका है, निजीकरण बहुत हो चुका है। कुछ क्षेत्र जो हैं उनको अभी भी सरकार के पास ही होना चाहिए, वो निजी क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। और हम जिस तरह से अभी करंट में हैं, मुझे लगता है कि यही बेहतर है, इससे ज़्यादा और प्राइवेटाइज। कृषि बिल जो है उनके बारे में क्या कहते हैं आप? कहा जा रहा है कि जो नए कृषि बिल है जिस पर विवाद चल रहा है जी, वो निजीकरण की ओर बहुत बड़ा कदम है, आप समर्थन करते हैं कृषि बिल का? जी मैम, उसमें जो कृषि बिल आया है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर इतनी जानकारी है कि उसमें किसानों के लिए ये कहा गया है कि किसान स्वतंत्र है अपना माल सरकार को बेचने के लिए या बाजार में बेचने के लिए। तो इसमें मुझे कोई गलत लगता है, सही है कि गलत है? मुझे सही लग रहा है मैम अभी फिलहाल। जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था एक प्रश्न का जवाब देते समय कि कई जगहों पर हम निजीकरण कर रहे हैं, कौन से जगहों पर कर रहे हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? अच्छे से जानकारी नहीं है, मगर रेलवे का कुछ हिस्सा अभी निजीकरण के लिए आया था। विनिवेश जानते हैं? जी सर, विनिवेश। विनिवेश, सॉरी सर। तो रेलवे का निजीकरण किया गया है, विनिवेश किया गया है, इसमें आप क्लियर है या फिर आपको कोई? तो विनिवेश के बारे में आप नहीं जानते? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप का जन्म 1992 में हुआ है जी, इसी सन में सेबी का गठन हुआ जी, जो ये आपको ज्ञात है जी। सेबी के गठन के पीछे क्या ऐसी पृष्ठभूमि निर्मित हुई थी जैसे ये आवश्यकता बनी कि सेबी जैसी एक संस्था का जन्म हो? और सेबी के अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय पूंजीवाद या पूंजी बाजार का रूपरेखा किस प्रकार से परिवर्तित हुआ? सर सेबी एक्ट 1992 में बना था, लेकिन सेबी जो बोर्ड था वो शायद 85 के आसपास से कार्य कर रहा था। तो हुआ ये था कि जो बाज़ार थे वहाँ पर स्कैम होने लगे थे और गड़बड़ियाँ होने लगी थी, तो इस वजह से एक ऐसी संस्था चाहिए थी जो शेयर बाज़ार को नियंत्रण कर सके, उस पर लगाम लगा सके। तो इस वजह से सेबी का निर्माण किया गया और ये अच्छे तरीके से अभी काम कर रही है। तो किस उसे निर्माण करने के बाद, उसके अस्तित्व में आने के बाद से पूंजी बाजार की रूपरेखा में क्या ऐसा सुधार आया या परिवर्तन आया, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर हम ये चर्चा कर सकते हैं, जिससे हमें ये हम अपनी बात को रख सकें कि सेबी का गठन न्यायसंगत हुआ या फिर ये एक अन्य निर्णयों की तरह ये भी एक बिल्कुल निर्णय था, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि सरकार ने कई सारे खराब नीतियां और खराब निर्णय लिए हैं स्वतंत्रता के बाद, तो कहीं ये भी उसी श्रृंखला का एक कड़ी तो नहीं है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेबी का जो गठन हुआ था वो गलत निर्णय था, ये बिल्कुल सही निर्णय था। और हर बाज़ार में कुछ ना कुछ या हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, यहाँ भी स्कैम हुए, लेकिन फिर भी सेबी का कंट्रोल इतना है और सेबी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि आज एक आम इंसान भी अपने मोबाइल से बाज़ार में निवेश कर रहा है, पहले समय ऐसा नहीं था, मतलब हर कोई स्टॉक मार्केट। तो आप ये बताइए, अगर सेबी ने इस तरह से कार्य किया जिसका आपने कहा, तो पहले तो आप सेबी के जन्म के पीछे आपने कई बार ये उल्लेख किया कि स्कैम, तो वो स्कैम के बारे में बताइए, और सेबी के अस्तित्व में आने के बाद में जिन निर्णयों के आधार पर आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो उस कुछ निर्णयों के बारे में बताइए।
स्कैम के बारे में बहुत मैं नहीं कह पाऊंगा सर। हर्षद मेहता स्कैम सुना है, जैसी दौर के आसपास की बात है जी। इस स्कैम के बारे में जानते हैं, उसमें तो सीरीज भी आई है, सीरीज देखते हैं? नहीं, मैंने सीरीज देखी नहीं है, मगर इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे ये है कि हर्षद मेहता जी ने बैंक्स क्या कहना चाहिए, रेडी मार्केट डील्स जो होते थे उनके साथ छेड़छाड़ करके, और फिर जो आप बता रहे हैं आप बंदा जला रहा है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और जिस व्यक्ति ने भारत के शासन हो या जो भी उसके साथ में ऐसा थोड़ा घोटाला किया, आप उसको सम्मान से जी बोल सकते हैं क्या? जैसे आपने बोला हर्षद मेहता जी, तो वो सम्मान के हकदार हैं वो? जी मैम, हर इंसान सम्मान का हकदार है, एक सामान्य नागरिक होने के। जी जी, तो आप स्कैम के बारे में नहीं जानते, निर्णयों के बारे में बताइए सेबी के निर्णय। अभी हाल ही में सेबी की एक अच्छी पकड़ बनी हुई है सहारा के जो चीफ हैं, उनके चीफ का नाम जानते हैं? सारा केस के बारे में जानते हैं? तो सेबी के निर्णयों के बारे में जानते हैं, ये आप ही के जन्म के आसपास, आप एक वाणिज्य या फिर आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के विषय के काफी करीब है, और अभी वर्तमान में तो कई इसलिए भी बातें आ रही हैं क्योंकि अभी हम जिस प्रकार से कोरोना काल में देख रहे हैं, कोरोना काल में आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था काफी बुरी स्थिति पर जी, लेकिन हमारा शेयर मार्केट काफी ऊपर उठ रहा है, और एक प्रकार की विसंगति है सेबी के उपस्थित रहने के बावजूद। तो कोरोना काल में ऐसा होना, आपको क्या लगता है कि ये आगे चलकर अर्थव्यवस्था के लिए ये लाभदायक होगा या इससे और भी नई प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है? माफ कीजिएगा सर, इसके बारे में कुछ कोरोना का कुछ प्रभाव अर्थव्यवस्था पर, आप मुझे पांच बड़े प्रभाव बताएं, पांच जो आपके नजरिए से सबसे बड़े प्रभाव हैं जिसे इस महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े। जी सर, उत्पादन में कमी आ गई है ना, और जो शिक्षा थी, जो मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में महसूस कर रहा हूँ कि अभी क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं है ना, तो ओपन बुक एग्ज़ाम्स हैं, इससे बच्चों का जो बिहेवियर था एग्ज़ाम को लेकर के वो काफ़ी चेंज हुआ है, और अगर ये हम ऑनलाइन एग्ज़ाम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और बच्चों का बिहेवियर यही रहा तो हम इस पीढ़ी के लिए गलत कर रहे हैं। किस प्रकार से आप अगर उनके एग्ज़ाम डिले कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन एग्जाम इसलिए दिया क्योंकि आपके लिए मजबूरी थी कि वो मजबूरी थी, तो अगर हम ये आप इसे कह रहे हैं तो आपके मत में यह है कि हम बच्चों को स्कूल खोल दें ऑनलाइन क्लासेस में, जबकि अभी वैक्सीन आई है और कभी भी वो कई प्रकार के प्रश्नों के कटघरे में वैक्सीनेशन खड़ा है, तो आपका ऐसा मानना है कि हमें ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहिए और ये अभी जो व्यवस्था चल रही है परीक्षा प्रणाली की, ये आपके नजरिए से गलत है? सर अभी तक हमारी मजबूरी थी, अब नहीं, अब दर काफ़ी कम हो गई है, मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है, चीज़ें सामान्य हो गई है, हम बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, सब कुछ की बात कर रहे हैं। जी बच्चे जो परिपक्व नहीं है सर, कॉल देखना और समझना अभी उनके उतना वो आपके इतना वो परिपक्व नहीं है। जी सर, स्कूल के बच्चे ठीक हैं मगर कॉलेजेस के बच्चे कर सकते हैं, कॉलेज के बच्चे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कर सकते। आपका मत ये है कि जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है जी उसे बंद करके ऑफलाइन व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाए? जी सर, और मैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहूंगी जब तक पूरी चीजें खत्म ना हो। अगर हर पेरेंट्स ऐसा सोचने लगे कि कोरोना काल में कितनी भी हम सुविधाएं रखी हैं जो भी रखी, लेकिन रिस्क तो है। हाँ मैम, रिस्क तो है, पेरेंट्स ऐसा सोचने लगे कि हम नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे ऑफलाइन क्या? मैम स्कूली शिक्षा के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है स्कूल के बच्चे छोटे हैं इस वजह से अभी उनको न भेजना बेहतर है, मगर कॉलेज के बच्चे समझदार तो हो जाते हैं। तो बच्चा चाहे प्राइमरी का हो चाहे वो कॉलेज का हो, बच्चा तो बच्चा है। जी मैम बिल्कुल, बच्चा तो बच्चा ही है, मगर फिर भी ये मुझे लगता है कि अब कॉलेजेस को ओपन कर देना चाहिए। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा मैम, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पर पड़ेगा, बच्चों का जो व्यवहार है वो चेंज हो गया है। पर अभी तक आपने दो ही निर्णय बताए, मतलब दो ही प्रभाव बताए। जी जी, सर व्यवस्था पर प्रभाव बताया तो ना, आपने कहा कि बच्चों का ट्रेंड बदल रहा है तो सामाजिक प्रभाव हो गया, वो बच्चे ही तो हमारी आगे की पीढ़ी है मैम, वही तो अर्थव्यवस्था मतलब सीधा
अर्थव्यवस्था का सामान्य भाषा में मतलब ये है कि उत्पादन होना, लोगों को रोजगार मिलना, उनकी आय होनी, उनके जीवन के स्तर बेहतर होना। शिक्षा में इस बदलते व्यवहार से, इस कोरोना महामारी की वजह से जो व्यवहारिक परिवर्तन आ रहे हैं शिक्षा प्रणाली में, उससे उत्पादन, लोगों की रोजगार, लोगों की आय, लोगों के जीवन के स्तर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, ये दूसरा प्रभाव हुआ है। अभी आपको तीन और बताने हैं। आप दूसरे को खत्म करके तीसरे में आना चाहते हैं या दूसरे को समाप्त यहीं पर रोक कर आप तीसरे में आना चाहते हैं? तीसरे पर आना चाहूंगा। तो दूसरे को आपने यहीं पर रोकना चाहिए, तीसरे पर आएंगे। सर क्या मुझे सिर्फ बुरे प्रभाव बताने हैं या नहीं? आप मैंने अर्थव्यवस्था पर जी अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी की वजह से अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं। जी सर अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि वो अच्छे प्रभाव को आप उल्लेख करके बाकी के तीन पॉइंट समाप्त करें। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा है वो कोरोना की वजह से ही बढ़ा है। हमारे पास व्यवस्थाएं पहले से थी, इंटरनेट पहले से था, सॉफ्टवेयर्स पहले से थे, मगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, हमको मजबूरी में करना पड़ा। ये अच्छी बात है, ये अच्छी। थोड़ी देर पहले तो इसी का आप जी, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं और अच्छी अच्छी बातें भी हैं। ये अच्छा भी है बुरा भी है। चलिए चौथा। और चौथा सर लोगों के रोजगार छूट गए, ये एक बुरा प्रभाव पड़ा। पांचवा। और मैडम ने भी कृषि बिल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा, इस कोरोना महामारी की वजह से कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है या पड़ा ही नहीं? ये सिर्फ शहरी क्षेत्र तक सीमित रह गया, उद्योग क्षेत्र तक सीमित रह गया, हमारी प्राथमिक जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम प्रभावित हुआ। आप इससे अगर सहमत हैं तो किस प्रकार से सहमत है, और अगर आप इससे सहमत नहीं है तो किस प्रकार से? माफ कीजिएगा सर, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा जो कोरोना के कारण जो प्रभावित हुआ वो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, तीनों में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ नकारात्मक था? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बढ़ा? जी सेवा क्षेत्र बिल्कुल बड़ा। उसमें दिक्कत नहीं आई? कुछ आई मगर मुझे लगता है क्षेत्रों पर आई और किन क्षेत्रों पर लाभ हुआ? सेवा क्षेत्र जैसे ट्रांसपोर्टेशन है ना, रेलवे बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन सारे बंद थे, तो उस तरह की सेवा में होटल इंडस्ट्रीज ये सारी जो सेवाएं देते थे वो सारे बहुत हद तक प्रभावित हुए क्योंकि लॉकडाउन के समय ये सारे कुछ बंद थे। लाभ जो टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन जी ऑनलाइन तौर पर बढ़ा जी, डिजिटल पेमेंट सेवाएं बढ़ी, तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर बढ़ रहा है जी, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन में जितना ज्यादा हम इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा जी। तो अगर आपके दूसरे प्रभाव पर अगर हम चलते हैं जहां पर हम ये मानते हैं कि छात्रों कोरोना की वजह से उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें एग्जाम देना पड़ रहा है या फिर जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं तो वो इनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो अच्छा हुआ ना। अब स्कूल कॉलेज जाने की तो जरूरत नहीं होगी, बच्चा घर में बैठेगा, घर में पढ़ेगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ नहीं रहा था, जिसे आपने मजबूरी का नाम कहा कि मजबूरी की वजह से ऐसा करना पड़ा, तो मजबूरी तो आगे चल के उनके लिए लाभ ही होगा। सर मेरा एक सवाल है, आपके यहाँ बच्चे हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? हमारे यहाँ लाइव ऑनलाइन में बच्चे हैं और वहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल क्लास अटेंड कर रहे हैं लगातार। मैं घर की बात कर रहा हूँ सर, आपके भाई बहन? नहीं, मेरे घर में। अच्छा जी, अगर होते तो आपके घर ऐसा हो रहा है? सर मेरे यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे अटेंड करते हैं, अधिकतर बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, या अटेंड भी कर रहे हैं तो उनके लिए वो बोरिंग हो जाता है। कंटिन्यू पाँच से छः पीरियड उनको मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना होता है, तो वो एक बोरियत भरा समय हो जाता है और इंटरेस्ट कम होने लगता है। आप अकेले बैठ करके लैपटॉप या वीडियो मोबाइल के थ्रू पढ़ने की बच्चों की आदत नहीं है, तो ये उनके लिए बोरियत भरा हो जा रहा है और उनका ध्यान कम जा रहा है पढ़ाई के ऊपर। तो समस्या टेक्नोलॉजी पर है या बच्चों की आदत परिवर्तन पे? क्योंकि बच्चों एक आप ये कह रहे होंगे, तो देखिए ये एक प्रकार का ट्रांजिशन भी जिसे आप कहते हैं, एक
जो पूर्व में स्थापित जो व्यवस्था होती है उससे जब परिवर्तित कोई व्यवस्था अचानक से आ जाती है तो एक ट्रांजिशन का दौर भी होता है। क्या आप इसे नहीं कंसिडर करना चाहेंगे कि जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो बदलाव की वजह से हो रही है ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से, नवाचार की वजह से? तो दोनों में से किस पक्ष में हम जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं या बदलाव हो रहा है की वजह से? तो आप अपना स्टैंड अप बदल रहे हैं जी? हाँ सर ठीक है। अच्छा गिरीश जी, जी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर पढ़ाने में मेरी रुचि शुरू से थी, हालांकि मैंने जो क्षेत्र चुना था सीए का उस क्षेत्र में जब मैं काम कर रहा था तब भी मेरी पढ़ाने में रुचि थी और मैं कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाता था, तो मेरी रुचि रही है, इस वजह से मैं इस क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो यदि आप प्रोफेसर में भी सेलेक्ट हो जाते हैं और आपकी पोस्टिंग सुदूर नक्सल क्षेत्रों में हो जाती है किसी कॉलेज में जी, तो ऐसा आप क्या नया करेंगे ताकि उस क्षेत्र में कॉमन सब्जेक्ट के प्रति लोगों का रुझान बढ़े? सर मैंने इंडस्ट्री में काम किया है तो मैं बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। एक प्रयास मेरा वो रहेगा कि जो नॉर्मल टीचिंग है उसको मैं प्रैक्टिकल टीचिंग में बदल करके पढ़ाऊँ। दूसरा टेक्नोलॉजी जो है उसका उस क्षेत्र में बेहतर उपयोग किया जा सकता है। कैसे? वीडियोस लेक्चर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है। नहीं, वहाँ तो नक्सल क्षेत्रों में सामान्यतः देखते हैं तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है जी, तो वहाँ इंटरनेट और बाकी चीजें तो थोड़ी अपेक्षानुरूप कम रहती जी, कम रहती है, मगर फिर भी प्रयास किया जा सकता है। सर आपके प्रोफाइल में लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय जी, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट भारतीय शिक्षा में एक अनूठा और बहुत सफलतम प्रयास रहा है जी, आपने वहां से अपनी शिक्षा प्राप्त की है जी, तो ये कंसेप्ट कब आया, किस वर्ष आया आप बता? सर सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय 1985 में शुरू हुआ था। दो जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे, अमरावती महाराष्ट्र में और झज्जर हरियाणा में, जो शिक्षा नीति 1986 की आई थी उससे संबंधित ये थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि प्रोफेसर बनने के लिए नेट या सेट दोनों में से कोई क्वालिफाई करना होता है जी, तो ये नेट क्या है और यूजीसी वर्ड ये क्या है, इसके बारे में बताइए। नेट एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो यूजीसी है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शिक्षा के क्षेत्र में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नेट के बारे में आपने क्या बताया? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंने गलत कह दिया था जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह दिया था, जो अभी है एनटीए नेट चल रहा है जी, और यूजीसी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस ये सारी चीज़ें देता है शिक्षा। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि हमको या भारत सरकार को नई शिक्षा नीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, नई शिक्षा नीति के बारे में? जी सर कुछ जानकारी है और ये अच्छा कदम है, मुझे ये अच्छा लगा, ये जरूरी भी था, जरूरी भी था क्योंकि पिछले 34 सालों से शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत थी। हम पुराने ढर्रे पर चल रहे थे, जो हमारी व्यवस्था ऐसी थी शिक्षा व्यवस्था कि हम पढ़ा करके बच्चों को क्लर्क की जॉब दिलवा रहे थे। आपको नहीं लगता है कि जो शिक्षा नीति आई है उसमें पहले पांचवी बोर्ड फिर आठवीं बोर्ड को बंद कर दिया गया, अब ये सुनने में आता है कि जैसे दसवीं बोर्ड बंद कर दिया जाएगा, तो बच्चों में एग्जाम के लिए जो डर हुआ करता था बोर्ड एग्जाम के लिए, अब वो सारी चीजें खत्म है मैम। लेकिन सेमेस्टर पैटर्न आ जाएगा, बच्चा साल के आखिरी में 2 महीने पढ़ कर के पास हो जाता था, अब बच्चे को सेमेस्टर में हर 6 महीने में एग्जाम देना है तो वो साल भर पढ़ता रहेगा। त्रिभाषा जो इसमें लागू करने की बात कही जा रही है, तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ ही यहाँ पर होना चाहिए त्रिभाषा के तौर पर? बिल्कुल। और कौन से सब्जेक्ट को आप हटाना चाहेंगे? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि किस विषय को हटाना चाहिए। जैसे स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता है कि आप इंग्लिश लेंगे कि हिंदी लेंगे, वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ी को कंपलसरी कर दिया जाए तो
तो हम इसे फिर हटाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी से ज्यादा जरूरी अंग्रेजी है, और चूंकि भारतवर्ष है तो हम हिंदी को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करेंगे? तो फिर छत्तीसगढ़ी को छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? तो महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। आपने ये कहा कि किसी एक को छोड़ना ही होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ी को छोड़ना होगा। अच्छा गिरीश जी, एक और प्रश्न है। आपने अपना ग्रेजुएशन सीवी रमन यूनिवर्सिटी से किया है, कौन थे ये सीवी रमन? डॉक्टर सीवी रमन नोबल पुरस्कृत वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्र थे। ये एशिया के पहले ऐसे भौतिक शास्त्री थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था। क्या किया तुम? उन्होंने जो मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है, मगर प्रकाश का परावर्तन जो होता है ट्रांसपेरेंट बॉडी से, उस पर उन्होंने कुछ किया था। गिरीश जी, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग के क्षेत्र में, तो आप बता सकते हैं कि पिछले 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है? यही सर, टेक्नोलॉजी का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? जी सर, ये अभी जो आई है। तो अगर उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करना चाहें तो फिर वो सबसे बड़ा बदलाव तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होना चाहिए। अभी जैसा कि आपको पता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी वर्तमान समय छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का सत्र है या फिर शिक्षा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर आप देख लो तो नक्सली क्षेत्र में बच्चे जहां पर हिंदी मीडियम के स्कूल्स भी सही से कार्यरत हैं, तो क्या उस क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना सही कदम है? अगर उन क्षेत्रों की बात की जाए तो उन क्षेत्रों के लिए तो यही है कि अभी जो शुरुआती समय है, बच्चा जब 5वीं तक आ जाए तब तक उसे अपने लैंग्वेज में पढ़ने की आज़ादी दी जाए, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। और एक तरीका यह है, जैसे नवोदय विद्यालय में होता है सर, कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो 5वीं से लेकर के मतलब 6वीं 7वीं 8वीं, ये 3 साल बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है, उसके बाद फिर 9th से लेकर के 12th तक पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। तो हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में या मातृभाषा में पढ़ाया जाए, फिर धीरे धीरे करके उन्हें ट्रांजिट किया जाए इंग्लिश मीडियम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें कुछ एक वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, 5+3+3+4, जी इसके बारे में आप बता सकते हैं? इसमें ऐसा है सर, जो शुरुआत के 5 वर्ष रहेंगे, बच्चा नर्सरी और किंडरगार्टन के जो क्लासेस होते हैं वो लेगा, और पहली और दूसरी क्लास लेगा, 5 साल ये रहेंगे, फिर उसके बाद 3 साल तीसरी चौथी पांचवी, फिर 3 साल 6वीं 7वीं 8वीं, फिर आखिरी के 4 साल 9वीं से लेकर के 12वीं तक ये रहेंगे। अभी 10+2 था, अब ये होंगे। एक सवाल और है मेरा, चूंकि आप हायर एजुकेशन में प्राध्यापक बनने जा रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति है, इसमें हायर एजुकेशन के लिए कौन से प्रोविजंस किए गए हैं? 2-4 प्रोविजंस बताएं। हायर एजुकेशन के लिए सर उसका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एंट्री एग्जिट जो था, जी जी, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि 2030 तक जो नामांकन रेशियो रहेगा उसे 100% किया जाएगा। 100%? जी, ये लक्ष्य रखा गया है इस नीति में 2030 तक, अभी 50% है। आपकी लेखन की अभी रुचि है, तो इसमें आपने जो इश्किया और टेबल टॉप लिखा है, आपने मैडम ने भी शायद पूछा भी था, थीम क्या था, तो टेबल टॉप की थोड़ी सी आप 5 लाइन में संक्षिप्त विवरण इसमें दे दीजिए, समरी की ये नॉवेल में ये मिलेगा। समझ लीजिए आप नॉवेल के बारे में किसी को बता रहे हैं, मैं आपका नॉवेल खरीदना चाहता हूँ, क्या बताएंगे सर? खरीदने वाला हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से बताइएगा कि मैं अभी खरीद सकता हूँ। सर टेबल टॉक्स में ये ओपन थीम का नॉवेल है, इसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, आपको कविताएं मिलेंगी, आपको लेख मिलेंगे, आपको छोटी कहानियां मिलेंगी, आपको बड़ी कहानियां मिलेंगी, आपको
हर रंग के लेख यहाँ पर मिलेंगे। आप कोई नॉवेल लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक कहानी होती है, या एक कविता वाली पुस्तक लेते हैं उसमें सारी कविताएं या शायरी होती है। ये जो द टेबल टॉक्स है इसमें आपको हर तरह की रचनाएं मिलेंगी। तो इसमें कुछ जैसे अगर ये प्रकाश नॉवेल है, ये संकलन है कहीं के ऊपर, तो इसकी कोई एक आध कहानी जो सबसे बेहतरीन कहानी, जो छोटी वाली कहानी, जैसे आपने कहा छोटी कहानी बड़ी कहानी, तो छोटी कहानी के श्रेणियों में जो सबसे बेहतरीन आपको पसंद है आपको। सर इसमें एक कहानी थी नमकीन चाय की, तो उसमें ये था कि एक व्यक्ति होता है, वह समुंदर के किनारे किसी कैफ़े में गया होता है और उसे एक लड़की पसंद आती है, तो वह जाता है और उसके पास बैठ करके उससे बात करता है और वो थोड़ा घबराया हुआ होता है, मगर फिर भी वो बात करता है, वो उसे पसंद आती है, तो उस वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है और हड़बड़ी में कॉफ़ी में जब वेटर उससे पूछता है कि कितने चम्मच आप शक्कर लेंगे, तो वो हड़बड़ी में घबराहट में यह कह देता है कि नहीं मैं कॉफ़ी में नमक मिलाता हूँ। तो फिर वो नमक वाली चाय पीता है और फिर धीरे धीरे इनकी बात आगे बढ़ती है, ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता लेते हैं और जब बुढ़ापा होता है और वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसकी डायरी में एक लेटर होता है जो वो अपनी वाइफ के नाम पर छोड़ करके जाता है, तो उसमें उसने लिखा होता है कि जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी तब मैंने घबराहट में कह दिया था कि मैं कॉफ़ी में नमक मिला करके पीता हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और उसके बाद से आज तक तुमने हर बार जब भी मुझे कॉफ़ी दी मैं वो नमक वाली कॉफ़ी ही पीता रहा, भले उसका स्वाद मुझे बहुत बुरा लगता था लेकिन मुझे यह अच्छा लगता था कि तुमको तुम मुझे ये देती हो, इस तरह से था। एक लास्ट क्वेश्चन कि आप लेखन करते हैं तो लेखन करने वाला किसी को से इंस्पायर होता है या किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और उनके लिखे लेखों को पढ़ता है, आप किसे पढ़ते हैं? मैम मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। स्वर्गपथ, सॉरी रश्मि रथी, कुछ उसमें से सुना सकते हैं? जी सर, जी मैम, रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग है उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश मुझे याद है। जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं तो उसमें ऐसा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सबको सुमार्ग ऐसा था कि पांडव आए, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ जी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, आगे का याद नहीं है सर जी, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, ये असल में कॉफी थी। चलिए आप सीवी रमन यूनिवर्सिटी से पढ़े ना जी, किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। क्या परिभाषा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की? जानकारी नहीं है सर, माफ कीजिएगा। कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में? गिनती मुझे याद नहीं है सर, माफ कीजिएगा। सी
CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।